नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा एक बार फिर आपके सामने लेके आया ये मसालेदार शो जिसका नाम है शेयर वाले शर्मा जी। जी हाँ, मसालेदार इसके लिए क्योंकि यहाँ पे हम लाते हैं आपके लिए ऐसी तड़कती भड़कती रेसिपीज जो आपको बनाती है एक मजेदार प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेने के लिए स्टॉक मार्केट में मदद करेगा। भले ही आप इन्वेस्टर हो, भले ही आप ट्रेडर हो, या फिर सिर्फ अभी फैंसीटर हो, सोच रहे हो मार्केट में एंटर करने का। मगर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, बेल आइकन है, क्लिक करिए और हर वेडनेसडे फ्राइडे शेयर वाले शर्मा जी शाम को 5 बजे आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। बहुत टाइम से मुझसे पब्लिक जानना चाह रही थी, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि सपोज अगर हमारे को अभी ईयर एंड होने वाला है, टैक्स फाइलिंग करेंगे, टैक्स रिफंड का पैसा आएगा, तो वो टैक्स रिफंड के पैसे को मार्केट में कैसे लगाया जाए। ये बहुत ही मेरे लिए भी नया टॉपिक था क्योंकि इस तरीके का सवाल या इस तरीके का मैंने सोचा नहीं था। मगर हमारी जनता जनार्दन जो एकदम ही इनोवेटिव सोच रखती है, पब्लिक ने हमसे पूछा और आज शेयर वाले शर्मा जी देंगे आपके इसी सवाल का जवाब। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब टैक्स रिफंड का पैसा आप लोगों के पास आता है तो उसको स्टॉक मार्केट में कैसे लगाया जाए। देखिए, 2-3 तरीके होते हैं उस पैसे को, या कोई भी एक बल्क अमाउंट अगर सपोज मान लीजिए आपके पास आता है, अभी तो ईयरली अप्रेजल भी सब लोग के चल रहे होंगे, तो बोनस बोनस भी आने वाला होगा, तो एक बल्क अमाउंट आएगा जो आप शायद स्टॉक मार्केट में जिसके साथ एंटर करना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहले तो उन दोस्तों के लिए जो डायरेक्टली मार्केट में एंटर नहीं करना चाहते, आपके लिए एकदम बढ़िया सलाह है, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ जाइए। एमफी भी कहता रहता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। ELSS, उसमें एक स्कीम होती है जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यानी कि टैक्स रिफंड के बचे हुए पैसे से वापस इन्वेस्ट करिए और पाइए दोबारा टैक्स बेनिफिट्स। हम लोगों का ऐप है एंजल बी, वहाँ आपको सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, एंजल बी इज आर म्यूचुअल फंड ऐप, वहाँ से आप करिए और बस फिर क्या है, कमाइए पैसा। और जो हमारे वो दोस्त जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो भाई जी और देवी जी, आप ट्रेडर बन सकते हैं या बन सकते हैं इन्वेस्टर। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास वो जो कैपिटल है, जो भी अमाउंट आप लोगों के पास एक बल्क अमाउंट हाथ में है, उसके साथ आप शुरू कर सकते हैं। लग रहा है कि कैसे उसके साथ आगे बढ़ा जाए क्योंकि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज नहीं पता, आपको शायद चार्ट्स पढ़ना नहीं आता, तो वो सब के लिए स्मार्ट मनी करके हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। जी हाँ, स्मार्ट मनी, जहाँ पे बहुत डिटेल्ड तरीके से पूरी मार्केट के बारे में समझाया गया है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, निफ्टी कैसे वर्क करता है, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजीज हैं जो आपको काम में लानी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है या फिर आपको बनना है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क होता है ये कि इन्वेस्टर थोड़े लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, जबकि ट्रेडर आज खरीद के कल बेच देता है या परसों बेच देता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर खरीदता बेचता रहता है। तो ये होता है फ़र्क ट्रेडर और इन्वेस्टर का। तो आपको ये तय करना है कि आपको एज अ ट्रेडर मार्केट में आना है या एज एन इन्वेस्टर। दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। ट्रेडर बनने में आपको बहुत जल्दी यानी कि एक हफ्ते के अंदर रिटर्न्स मिल जाते हैं, मगर अगर आप एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपको रिटर्न्स के लिए थोड़ा लंबा वेट करना पड़ता है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ट्रेडर बनेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इन्वेस्टर रहेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज आप लंबे टाइम के लिए मार्केट में बने रहते हैं। तो मेरे भाई, ये तो बात हुई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको
इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ समझना है, जैसे कि एक ट्रेडर जो है वो फॉलो करता है टेक्निकल्स, यानी कि चार्ट्स को जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म पैटर्न्स देखता है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखता है। दूसरी तरफ होता है एक इन्वेस्टर जो फंडामेंटल्स के ऊपर जाता है, यानी कि कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में कैसी डिमांड है, मार्केट के नाम कैसा है कंपनी का, उसका कंपनी का कर्जा कितना देना है, कितना डेट है कंपनी के ऊपर, ये सारी चीज़ें एज एन इन्वेस्टर आपको देखनी पड़ती है। तो आपके हाथ में, हम तो यहाँ सिर्फ बैठे हैं आपको सलाह देने के लिए। करना क्या है ये आपको तय करना है, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम हैं और रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, वो पहला कदम उठाने में आपकी मदद करते रहेंगे जो आपको बनाएगा प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आपको पता है कि आपको अपने टैक्स रिफंड के साथ या फिर किसी भी बल्क अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आना है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऐसा कुछ चीज़ जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं या चाहते हैं शेयर वाले शर्मा जी उसके ऊपर बात करें, तो हमें लिखना मत भूलिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनते रहिए, हाथ सैनिटाइज करिए और stay bullish. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.